अपना गोस्वामी यू रन अ बनाना रिपब्लिक चैनल। आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए अमित देवगन। नहीं, मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए। अब सामने आ रहे हैं और रिपब्लिक टीवी इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। कौन सुन रहा है आपकी बात परमवीर? ललकारना तो आज इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि आइए बाहर जवाब दीजिए। आपको ये पूरा सस्ता बाजार जैसा सारे न्यूज चैनल दिखाई देते थे। देश की पल पल की खबर हमें न्यूज चैनल्स के द्वारा पता चल जाती है, लेकिन आज के समय में पल पल की खबर तो मिलती है पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। देश की असल स्थिति के बारे में तो जनता को पता चल ही जाता है, भले मेनस्ट्रीम मीडिया उसे दिखाए या ना। अब टीआरपी भी मीडिया के एजेंडा से ही मापी जा रही है। इस हफ्ते के गोदी मीडिया के एक्शन रिएक्शन पर बात करते हैं। हाल ही में रिया को बॉम्बे कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ बल्कि आत्महत्या हुई है। इसके बाद अब मीडिया चैनलों के बीच तनातनी साफ दिखने लगी है। अर्नब ने तक का मजाक उड़ाया था जब राजदीप ने रिया का इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब जब एम्स की रिपोर्ट आई है तब राजदीप ने भी अर्नब को अपने शो के जरिए जवाब दिया है। Has targeted me during my Riya Chakrabarti interview and more, but today I am going to say it. Arnab Goswami, you run a banana republic channel. You run a channel that has deliberately created a media trial for whatever your ends are, but do not bring journalism down to the level that you have. This is the only advice I will give you. This is not what journalism is about. You want me to name and shame? I will name and shame today. Because I have kept quiet for 2.5 months and listened to the crap that you have put out on air with only one purpose that you had, to try and get rating points. There's something more important than TRPs, my friend. It's called television respect point. इसके अलावा यूपी के हाथरस में हुई घटना पर मीडिया चैनल में एक बदलाव देखने को मिला। जो सवाल पहले वे विपक्ष से करते थे अब वो बीजेपी नेताओं से भी करते दिखाई दे रही हैं। न्यूज 18 की डिबेट में अमीश ने संबित पात्रा से कुछ सवाल पूछे। संबित, मेरा एक सवाल है, 12 में गलत हुआ, आप हवाला 12 का दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात जायज है, 12 में गलत हुआ होगा, लेकिन क्या वो हाथरस के गलत को सही कर देता है? गलत मत करिए अमीश जी, आप गलत कर रहे हैं आज। आप भी कह रहे हैं कि 12 में रेप नहीं हुआ, अभी कांग्रेस की मैं कह रहा हूँ 12 में गलत हुआ। संबित पात्रा, किसी ने इंकार नहीं किया कि 12 में रेप नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ 12 में गलत हुआ, क्या वो हाथरस में सही करता है? संबित पात्रा, सवाल ये है। और अमीश देवगन शो सम स्पाइन, आप स्पाइन दिखाइए, आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए अमीश देवगन। नहीं, मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए, मैं तो नेताओं की हिम्मत का साथ देता हूँ, जो रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी कभी डिफेंड करते हैं आप से आकर, मैं तो नेताओं की हिम्मत की साथ देता हूँ। मेरी हिम्मत की बात ना करें, कांग्रेस से लेकर बीजेपी अमीश देवगन की हिम्मत मांगती है, मेरी हिम्मत इस देश की जनता है। हमारा गोदी मीडिया जो दिखाता है इस पर जनता का क्या रुख है, ये तो विरोध प्रदर्शनों में साफ दिखने ही लगा है। जब गोदी मीडिया के रिपोर्टर वहां जाते हैं तो उनका विरोध होता है। आप ये एक वायरल वीडियो देखिए जिसमें एक आदमी जी का माइक लेकर उसकी ही बेइज्जती करता दिख रहा है। ये देखिए, जी न्यूज है, दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर वन चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश ने बर्बाद कर रखा है, पूरे देश आक्रोश फैला रखा है। मुद्दों की जरूरत नहीं है, किसानों की कमी है। जी न्यूज का जिक्र किया है तो थोड़ी सी बात सुधीर चौधरी की भी कर लेते हैं। सुधीर अपने शो डीएनए के जरिए इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। इस बार वे टीआरपी वाले मामले में जनता को ये बताते दिखे। जी न्यूज पर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप समाचार भी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें। जो खबरें दिखाई जाएं वो ऐसी ना हो जिनका आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर बुरा असर पड़ता हो। खबरों में झूठ की कोई मिलावट ना हो जिसका आपके विचारों और व्यवहार पर बुरा असर पड़े। हम आपको थोड़ा कुछ याद करवा देते हैं। यही सुधीर जी हैं जिन्होंने जमीन जिहाद के नाम से एक डीएनए किया था जिसमें वे जिहाद के बारे में क्या बोल रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डीकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसके अलावा सुधीर ने कुछ और बातें भी कही टीआरपी के बारे में, आप वह भी सुनिए।
आपको न्यूज चैनल पर सस्ता कंटेंट दिखाया जाता था और उसको जस्टिफाई ये कहकर किया जाता था कि देश के लोग यही देखना चाहते हैं, जबकि हो ये रहा था कि देश के लोगों को ये 400 रुपए की गोली देकर, ये 400 रुपए का नशा देकर इस टीआरपी को खरीदा जा रहा था, और इसलिए आपको ये पूरा सस्ता बाजार जैसा सारे न्यूज चैनल्स दिखाई देते थे। इन्होंने अपने डीएनए में कहा कि आज हम वो बातें दिखा रहे हैं जो देश की जनता देखना चाहती है। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर ही आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद है। टीआरपी की बात चली है तो मुंबई पुलिस ने भी हाल ही में टीआरपी घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने तीन चैनलों का जिक्र किया है। तीन में एक नाम है रिपब्लिक टीवी का। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। जानकारी आई जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें तीन ऐसी आइडेंटिटीज हैं या तीन ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। दो तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा, और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। इसके बाद रिपब्लिक टीवी की ओर से आए रिएक्शन तो सब देख ही चुके हैं। अब अर्नब के रिएक्शन दिखाते हैं मुंबई पुलिस का इल्जाम लगाए जाने के बाद का। और भारत माता के आशीर्वाद के भरोसे आज मैं कहना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में जीत हमारी होगी। सुन लो टुकड़े टुकड़े गैंग, परमबीर, संजय राउत, उद्धव, इटली वाली सोनिया माइनो, एंटोनिया माइनो, आप सुन लो हमारी जीत होगी। अब हारने वाले आप आरोप लगाते हैं कि रिपब्लिक भारत के पास जो है वो चोरी का है। आप आरोप लगाते हैं कि प्रदीप भंडारी एक दंगाई है, मैं एक चोर हूं। लेकिन कौन सुन रहा है आपकी बात परमबीर? आपकी नाक के नीचे ड्रग्स का धंधा होता है, आपने क्या किया? इसके बाद कुछ चैनलों ने टीआरपी के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें आज तक आगे दिखाई दिया और तंज कसता भी नजर आया। इस समय मसला इस बात से ज्यादा कि टीवी चैनल पर दिखा क्या जा रहा है, इस बात का है कि टीवी चैनल आप लोगों को दिखा किस तरीके से रहे थे। आप घर जाते हैं उन के जिनके घर पे मशीन लगी है जहां से डेटा काउंट होता है, आप उनको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है आप 24 घंटे चला के रखिए, यही चैनल लगा रही है, आपको देखना हो ना देखना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजे 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, चैनल चलता रहना चाहिए आपका, ताकि वहां जहां डेटा रिकॉर्ड होता है वहां पर यह बताया जा सके कि देखिए इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, और फिर उसके जरिए विज्ञापन दाता लाए जाए और देश को यह बताया जाए कि देखिए सबसे ज्यादा तो हम ही देखे जाते हैं, सबसे विश्वसनीय हम माने जाए। संगीन आरोप में मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़, रिपब्लिक टीवी का भारत के साथ ये संगीन धोखा और इसकी सच्चाई सामने आ रही है। ललकारना तो आज इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि आइए बाहर जवाब दीजिए, क्या घरों में जहां पे टीआरपी मीटर्स लगे हुए थे वहां पर पैसे दिए जा रहे थे? क्या पैसे के लेन देन के जरिए रेटिंग खरीदी जा रही थी? क्या लोगों के विश्वास के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे? आज जवाब देना चाहिए बाहर आकर। देश की जनता मीडिया से उम्मीद करती है कि वे सच दिखाए और देश के जरूरी मुद्दे उठाए। मीडिया में जिस तरह की खबर का जोर है उससे तो यही लग रहा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो चुका है, कोरोना देश से खत्म हो चुका है, अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ गई है और चाइना के साथ बॉर्डर तनाव खत्म हो चुका है। मीडिया डिबेट से लग तो यही रहा है लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.